उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मौसम को लेकर अभी अभी एक ताजा रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अगले 24 घंटे के बाद अब फिर बदलेगा मौसम। आंधी तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने को लेकर जारी किया मौसम विभाग ने अलर्ट। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जिनमें अगले 24 घंटे लगातार आंधी तूफान के साथ बारिश व ओले गिरने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो खबर को विस्तार से जानने के लिए बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के बाद फिर से आंधी तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल यूपी में पूरा जनवरी लोग शीतलहर और हाड़ कपाऊ ठंड से परेशान रहे। इसके बाद फरवरी आते ही न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री के आसपास पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2024 की जनवरी में दिन का तापमान सामान्य से कम रहा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सर्दी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी बीते 10 सालों में 2024 की जनवरी सबसे ठंडी रही। पूरे महीने के औसत तापमान की अगर बात करें तो राजधानी में ये 17.4 डिग्री सेल्सियस हुआ, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं जनवरी बीतते ही मौसम ने फिर करवट ली और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई, साथ ही अधिकतम तापमान भी औसत स्तर पर आ गया। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार फरवरी में बारिश और ओले एक बार फिर सर्दी सितम बढ़ा सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी आते ही उत्तर प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया। वहीं पश्चिमी यूपी के बागपत, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने सर्दी को हल्का बढ़ा दिया। वहीं मध्य यूपी और अवध के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं आज भी बारिश होगी, जिससे आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अब फिर सर्दी बढ़ने की आशंका जताई है। लेकिन मौसम करवट जब लेगा तो आपको बता दें पूरी तरह से एक बार फिर ठंड बढ़ जाएगी। वहीं आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि बैराज के अलावा तराई क्षेत्र और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अब फिर बिजली गिरने, बारिश और ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि दो पश्चिमी क्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से एक पश्चिमी क्षोभ मध्य क्षोभ मंडलीय पश्चिमी हवाओं में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर देशांतर 64 पूर्व और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के साथ एक गर्त के रूप में देखा जा रहा है। ये बारिश और ओलावृष्टि का कारक माना जा रहा है। वहीं IMD ने उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में फरवरी में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्सों और पूर्व मध्य भारत के पूर्व कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य और सामान्य से कम रहने का अनुमान जारी कर दिया है। अंत में आपको ये भी बता चले कि मौसम विभाग ने कहा है कि अब अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके बाद फिर उत्तर पश्चिम भारत में एक बार फिर बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।